मणिपुर की स्थिति सामान्य करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। वहाँ जो कुछ भी घटनाएं घटी, 11,000 से ज्यादा FIR की गई। मणिपुर छोटा सा राज्य, 500 से ज्यादा लोग अरेस्ट। इस बात को भी हमें स्वीकार करना हो कि मणिपुर में लगातार हिंसा की घटनाएं कम होती जा रही। आज मणिपुर के अधिकांश हिस्सों में आम दिनों की तरह स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, दफ्तर और दूसरे संस्थान खुले रहे। मणिपुर में भी चाय हुई, गृह मंत्री स्वयं कई दिनों तक वहां रहे, गृह राज्य मंत्री हफ्तों तक वहां रहे और बार बार वहां जाकर के संबंधित लोगों को जोड़ने का प्रयास करते रहे। सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारी वे लगातार वहां फिजिकल जाते हैं, लगातार वहां संपर्क में रहते हैं। मणिपुर में बाढ़ का भी संकट चल रहा है और केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर के पूरा सहयोग कर रही है। आज ही NDRF की 2 टीमें वहां पहुंची है। हम सभी को राजनीति से ऊपर उठकर वहां की स्थिति को सामान्य बनाने में सहयोग करना चाहिए। जो भी तत्व मणिपुर की आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे आगाह करता हूं ये हरकतें बंद करें। एक समय आएगा मणिपुर ही उनको रिजेक्ट करने वाला है।